हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी छात्र ध्यान दें, CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जानकारी यहां पर लेकर आ चुका हूं। लेटेस्ट न्यूज़ है, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी बताने वाला हूं। कौन सी अपडेट है कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जारी की गई है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें। इससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप टाइम टू टाइम अपडेट रहेंगे। और अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम की आईडी है MyHelpsium, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो अपडेट है आपको उस अपडेट को यहाँ पर दिखाते हैं कि देखेंगे यहाँ पर क्या बताया गया है कि विवि में पब्लिक हेल्थ कोर्स शुरू, 40 सीटों पर मिलेगा दाखिला। यहाँ पर एडमिशन के लिए जो नोटिस है आप लोग यहाँ पर देखेंगे, न्यूज़पेपर की कटिंग है कि शहर और ग्रामीण इलाकों में बढ़ रही बीमारियों के कारण हेल्थ केयर सेक्टर में कर्मचारियों की मांग बढ़ी है। इसको देखते हुए छत्रपति साहू जी महाराज विवि में अब पब्लिक हेल्थ का भी पाठ पढ़ाया जाएगा। दाखिले के लिए उम्र की कोई भी बाध्यता यहां पर नहीं रखी गई है। इनमें से यहां पर प्रवेश 40 सीटों पर निर्धारित किया गया है। विवि का दावा है कि कोर्स प्रदेश में पहली बार शुरू किया जा रहा है। तो अगर आप भी ऐसा कोर्स करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आपको जो भी है पता कर लेना, कॉलेज में या जहाँ भी आपके पास में, अगर कानपुर है तो यूनिवर्सिटी में पता कर सकते हैं। तो इतनी सी अपडेट थी जो मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।